हम लोगों की योजना थी और रणवीर व्यास जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे पहले बात हुई और ये आइडिया आया कि बाबा साहब का जो सबसे बड़ा जो एक नारा था जाति भेद का उच्छेद करो, और उसके लिए उन्होंने दो बातें सुझाई थी और उसमें से एक बात यही थी कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह किए जाने चाहिए। और बाद में हिंदू कोड बिल जब वो ले आए तो ये इस बात की सभी को स्वतंत्रता आजादी दी गई कि वो जहां चाहे लड़के लड़कियां जो वयस्क हो चुके हैं वो जिस भी व्यक्ति से उनकी पसंदगी नापसंदगी है उस आधार पे वो अपनी आजादी के साथ शादी करने के लिए स्वतंत्र हो। तो बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा इस समिति के अध्यक्ष को और इस समिति को कि इसने ये काम किया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगली दफे जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाए और बाबा साहब का जब भी जो भी काम हो उसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है साथियों, और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक जिंदगी जी है और जो नए साथी हैं उनको प्रोत्साहित करने की एक बात हमें करनी चाहिए। ऐसे ऐसे जोड़े जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलों को झेलते हुए ये निर्णय लिया और एक तरीके से बाबा साहब के उस नारे को चरितार्थ किया है। बाबा साहब ने एक बार कही थी कि मेरा जो कारवां है जहां तक मैं ले आया हूं अगर उस कारवां से को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे तो ही ये कारवां आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि भक्त होने का किसी को लगातार इस ऊंचाई तक पहुंचा देने का कि वो भगवान हो जाए और उसे भक्ति करते रहे उससे विचारधारा आगे नहीं बढ़ती। तो मैं इन तीनों जोड़ों को बधाई देता हूं, इस समिति के अध्यक्ष रणवीर व्यास को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले अगले साल इससे भव्य कार्यक्रम किया जाए और उस भव्य कार्यक्रम में गाजियाबाद के ढूंढ ढूंढ के जितने भी जोड़े हैं उनको सम्मानित किया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद।